जी सर, मैं दीपक कुमार गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हूँ भाजपा समर्थक मंच से उत्तर प्रदेश अच्छा में, अच्छा और राष्ट्रीय हिंदू सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मीडिया हब भी चलाता हूँ, यूपी लाइव, इंडिया वॉच, JPN 7, News Triple 9 जैसे चैनल भी हैं अपने पास, अच्छा और कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट का काम है, अच्छा और समाज सेवा में अग्रसर रहता हूँ। अयोध्या वासी वैश्य महासभा, अखिल भारतीय हाँ श्री हाँ अयोध्या वासी वैश्य सभा में अभी मुझे 4 दिन पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का युवा पद पर मनोनीत किया गया है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी बहुत जी सुंदर। सर अच्छा दीपक जी सर जी, आप इतने सारे पोर्टफोलियो को रख रहे हैं, जी क्या सर आप ये महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि जनरली हम जब चीजों में फंसे रहते हैं और उत्तरदायित्व में रहते हैं तो कई बार हम अच्छे ढंग से उस बात को कह नहीं पाते हैं, कई बार समझ भी नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल सर, क्या आप मानता हूँ ये मैं इस चीज़ महसूस कर रहे हैं कि 75 सालों से हम गलत दिशा में चल रहे हैं और जी, हमारे नेतृत्व बिल्कुल ने सर, हमको हमारे ऊपर अभी भी गुलामों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो कि सर अभी अंग्रेजों मेरे ने। ऊपर बहुत बड़ा जो है मानव में ब्राह्मणों के द्वारा जो है हाँ और हाँ कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक षड्यंत्र रचा गया था। और मैं आपको बता दूं कि वैसे ये समाज की वही बात कर षड्यंत्र दूं है तो जिसके इतना बारे में नीरज ने मुझसे बात की थी। जी 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 सर जी सर ओके ओके, जिसमें तो सर बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके आशीर्वाद से किसी तरीके से बाहर निकला है, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था। नहीं, लेकिन मैंने और उसमें बहुत सारे लीगल सुझाव दिए थे, वो आप तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंच पाए थे? जी सर पहुंचे थे, नीरज जी ने पूरा सहयोग किया था उसमें। अच्छा, और और जो हाँ आपने सलाह दी थी उससे आपका कुछ भला हो पाया था? जी बिल्कुल 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 भला हो पाया, और मैं तो आपके दर्शन के भी बड़ा इच्छुक हूँ कि कभी भोपाल आना होगा और आपसे मुलाकात होगी। तो इतना दूर तो है नहीं बाधा कि ना आया जा नहीं सर, जब आप सके। आदेश करें, आपके पास समय का अभाव रहता है इसलिए हम लोग संकोच में आपसे मतलब नहीं कह पाते हैं। आप जब आदेश करेंगे मैं चला आऊंगा सर। दीपक जी ये देखिए, आप जैसे कनेक्टेड व्यक्ति के खिलाफ भी ये लोग इतनी बड़ी बदमाशी कर पाए, जी सर ये बात बहुत मानते परेशान हैं? किया सर, बहुत परेशान किया, मतलब सीमा के पार आप कर हाँ, लीजिए, और मान वो भी लीजिए गलत, जी बिल्कुल टोटल गलत, झूठे नोटिस, झूठी चीजें, बिल्कुल सच्चाई नहीं। और जी शासकीय सर पदों का दुरुपयोग भी। बिल्कुल बिल्कुल सर नहीं तो आपको नहीं लगता है कि हमने ऐसी ही व्यवस्था अपने ऊपर थोप के रखी है? हमारे जी सर जो नेतृत्व है, राजनेतृत्व है, जी जी उसने अपने देशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात किया है। मैं जरा कठोर शब्दों का यूज कर रहा हूँ, जी लेकिन जी इन बिल्कुल कठोर शब्दों का यदि हम यूज नहीं करेंगे तो हम तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं कि अंग्रेजों ने बिल्कुल मान रहा जिन हूँ जिन नियम कानूनों को भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए बनाए थे, वो जी सभी हमारे ऊपर यथावत थोपे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर थोपे हुए है ना? बिल्कुल 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 सर, उनका दुरुपयोग हो रहा है लगातार, हम ही हमारे ऊपर ही। नहीं, दुरुपयोग नहीं। पहले तो सवाल ये जी उठता है दीपक जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, यदि जी आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो अपने देशवासियों पर आप गुलामों के नियम कानून थोपेंगे या अच्छे नियम कानून बनाएंगे? अच्छे नियम कानून, और अच्छे नियम कानून। और सर एक चीज और है ना, कि हाँ आप जैसे क्या कहते हैं, जो संभ्रांत आप अफसर थे उनकी हाँ कमी हो गई है देश में बहुत ज्यादा, अब तो सब चाटुकारिता पे लगे हुए हैं। कंडीशन ये है कि अगर ऊपर से कोई अधिकारी चाहता भी है कार्यवाही के लिए किसी भी अच्छा व्यक्ति विशेष के लिए, तो नीचे का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब चीजें पेशबंदी लिख करके और सब खत्म कर देता है। तो यही कंडीशन है। अभी एक मुकदमा पंजीकृत हुआ मेरे विपक्षियों के ऊपर, धारा 395, 504, 452 और तो 506 पे। बच्चिया डकैती कर रही है क्या? वो तो ये तो देखने से ही, सुनने से ही गड़बड़ लग रहा है। बच्ची तो नहीं डकैती नहीं नहीं करेंगी। नहीं नहीं मेरे विपक्षियों, बच्चियां नहीं, मेरे विपक्षियों के ऊपर, अच्छा, विपक्षियों के ऊपर। मेरी हाँ तरफ से दायर दायर हुआ, हाँ हाँ और 4 महीने के बाद दायर हुआ। और उसमें माननीय जो है DIG साहब ने पूरी जांच कराई CEO मैडम से, और जांच कराने के बाद उस मुकदमे को, जब उसमें खुद एक अपराधी का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, अच्छा और उस वीडियो में वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने ऐसा ऐसा किया, तब जाकर के उसका संज्ञान लिया, वीडियो की जांच कराई, और जांच कराने के बाद उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। और जब मैं मुकदमे की नकल लेने गया,
पंजीकृत के बाद, तो उसी दिन मुझे कोतवाल ने धमकी दी कि तुमने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया दीपक उच्च अधिकारियों से कह के, लेकिन मैं इस मुकदमे को स्पंज कर दूंगा। और उन्होंने मुकदमे को स्पंज भी कर दिया सर, और मेरे ऊपर तमाम झूठे आरोप लगा डाले, आपको सब जानकारी है ही। तो कंडीशन ये है सर, अगर कोई राजनेता उच्च पद में बैठा है, अगर वो न्याय करता भी है, तो नीचे का जो लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना गंदा हो गया है कि मतलब मैं तो उस पीड़ा से गुजरा हूँ आज अप्रैल से लेके अभी तक। अब कुछ हद तक राहत है मुझे नहीं, आप सबके लेकिन आशीर्वाद से। लेकिन लेकिन अभी उसको इस ढंग से हम कहें कि जी इस पूरी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपा गया है, बिल्कुल बिल्कुल और सर, बहुत अच्छी प्रशासनिक बात कह रहे व्यवस्था भी वही है जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जी भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए उनको प्रताड़ित कर पाए, उनको शोषित कर पाए, जी उनको जो जी है ना उत्पीड़ित कर पाए, वही जी जी व्यवस्था जो है आज भी हमारे ऊपर थोपी गई है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर और हमारे राजनेता दुर्भाग्य से उस जी अच्छे चरित्र के नहीं हैं, वो बिल्कुल सही कह स्वयं रहे हैं सर स्वयं अपराधी बाहुबली जी, और दलबदलू भी हैं। बहुत और बहुत ये तो मतलब है ही, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ के जो हमने मॉडल भेजा है, जो मॉडल बनाया है, जी उसे सर, आपको सुनने का समझने का कभी मौका मिला या नहीं मिला है? मैं सर हमेशा फॉलो करता हूँ आपको, आपको कुटुंब बैठक में भी फॉलो करता हूँ। जब से मेरे नीरज जी के द्वारा मैं आपके बारे में जाना, और इसके अलावा आप एमपी में भी रहे, सतना भी मेरे परिवार के लोगों के माध्यम से आपकी जानकारी हुई, तो हाँ, मुझे जब से जानकारी हुई मैं हमेशा आपको फॉलो करता हूँ। वो सोशल मीडिया में लगातार मैं आपके सारे सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ सर, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुन करके सब तो चीज़ें। आपको नहीं लगता है कि जो मॉडल मैंने बनाया है जी उससे जी हम बड़ी आसानी से ये इस दुष्ट व्यवस्था को बिना 5 पैसे खर्च किए बदल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता है। और सर हम तो चाहते हैं कि आप हमें आदेश दें, मार्गदर्शन करें, तो हम इस लड़ाई को समाज में ऊपर तक लेके जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम मैं तो तो चाहते हैं कि आप आदेश आ करें। मेरा तो तो सौभाग्य है, मैं तो आज मैं धन्य हो गया कि आपका अपनी तरफ से फोन आया मेरे पास। नहीं, जी बहुत बहुत ठीक बात कही आपने। देखिए, जी मैं ये चाहता हूँ, ये जी मॉडल तो चूंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, तो मेरे जी ख्याल से जो भी बात मैं कह रहा हूँ उसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल 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 नहीं सर, अब बिल्कुल केवल नहीं अपन मुद्दे की बात करें कि आदेश क्या है, ठीक है ना? जी सर, जी तो सर आदेश ये है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल अब सर व्यवस्था परिवर्तन करने का तरीका वही होगा जो जी आज के विधान में है, जो पीपल्स बिल्कुल सर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जी 1950 और 51 बना है, उसी जी के तहत हमको लड़ना भी होगा और जी उसके तहत हमें इन राजनेताओं को पराजित करना होगा, जी और सर सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा, क्योंकि किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं सर सब एक जैसे ही हैं। और जी उसमें ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जी भाजपा ने भी कोई हटके प्रदर्शन नहीं किया है। सर, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं किस अब मैं मेरी मन की व्यथा मैं फोन में नहीं कहूंगा आपसे, जब कभी मिलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं भाजपा में कैसे नहीं, आया। यहाँ पे और तो आप वही बात हाँ कही है जो कि रिकॉर्ड पे है, क्योंकि ये जो है बातचीत हमारी रिकॉर्ड भी हो रही है और इसको अपन जी क्राइम जी फ्री भारत पर दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत करने के लिए पोस्ट भी करते हाँ हैं। तो आप केवल वही सर, बात कहिए जिसे आप कह पाएंगे, ठीक है ना? आप अपनी सीमाओं को उल्लंघन मत करिए, ठीक है ना? जी सर, जी सर, अच्छा, जी सर, अब हम आपको बहुत छोटा सा आदेश ये देना चाहते हैं कि जी सर, देखो, हर किसी की सोच, क्षमता और परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं, बिल्कुल राइट? सर, बिल्कुल सर, लेकिन हर कोई अच्छे भारत को चाहता है। जो जी, क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्य रखे हैं उसके तहत ये देश ही बदल जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब इतने ज्यादा वो बड़े परिवर्तन हैं कि जी गुलामी के जो नियम कानून है उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जी व्यवस्था सर को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाएगा, यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। बिल्कुल सर तो जो एक्सपेंशन और वो सब रिपोर्ट जो है ना, यदि गलत करेंगे तो जी, क्षतिपूर्ति भी देना पड़ेगी, जो बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान सर जो वर्तमान व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर और
सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत भी मिल जाएगा, टैक्स फ्री भारत भी मिल जाएगा, महंगाई। अब ये बताइए, बनियों को तो विशेष तौर पे यदि टैक्स फ्री भारत हो तो कितना आनंद का विषय होगा। बहुत 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 ज्यादा सर। हम कोई लोग टैक्स फ्री तो दूर की बात है, अगर हम लोग अपनी आवाज उठाते भी हैं तो हमारे ही समाज के लोग हमारे लिए नहीं खड़े होते। इतना डर है, इतना भय पैदा कर रखा है लोगों ने। और अगर कोई बोलने की बोलने की हम तो आपको गारंटी दे रहे हैं कि टैक्स फ्री भारत होगा, और जी भारत के विकास के लिए आज जो धनराशि शासन इकट्ठी कर पा रहा है उससे 20 गुना ज्यादा राशि हमारे पास होगी। 10 गुना राशि तो केवल क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगी, इतना भर भर के पैसा आएगा, राइट। सर, और बहुत अच्छी बात ये है। हाँ, और 10 गुना तो सरकार के पास पहुंचेगा, इसका जी आधा लगभग जो है पब्लिक में बटेगा, तो पब्लिक भी जी उससे धनी होने वाली है, ठीक है ना। जी मतलब जी सर इतना पावरफुल मॉडल है, ठीक है ना। जी सर जी सर तो अब इस मॉडल को उतारने का एक ही तरीका है कि हम नियम कानून व्यवस्था और चीजों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन करें, जो जी वर्तमान सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। आज के राजनीतिज्ञ इररिस्पेक्टिव जी ऑफ द पार्टी उनकी सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इसी गंदी व्यवस्था के प्रोडक्ट हैं और वो जी यही जी सब घटिया चालें चलते रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए हमने जो सदस्यीय और चंद्रगुप्ती व्यवस्था कही है, यदि आप हमारे वीडियो सुनते रहे हैं तो क्या बिल्कुल आपने सुनता हूँ समझ मैं। पाया है कि सदस्य क्या है और चंद्रगुप्त क्या है? जी सर जी सर नहीं तो मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताएंगे? जी अच्छा ठीक है। तो सदस्य वह है जो अपनी क्षमता, सोच और परिस्थितियों के कारण परिवर्तित भारत तो चाहता है, लेकिन उसमें उसकी परिस्थितियां उसे इजाजत नहीं देती हैं पर्दे के सामने आने के से आके लड़ने की। तो वो बिल्कुल पर्दे बिल्कुल के पीछे रहकर जी अपने जी 90 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प पूरा करेगा उसको सदस्य कहेंगे, ठीक है ना। जी 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 उसको सर अपने ही परिवार के, अपने ही जुड़े लोगों को, ऐसे 90 लोगों को मात्र जोड़ना है, उससे उसका सदस्यीय संकल्प पूरा हो जाता है, जी राइट। सर जी और जी चंद्रगुप्ती संकल्प क्या कह रहा है कि हम जो है प्रतियोगिता में हैं, ठीक है ना। जी और जी चंद्रगुप्त 4 तरीके के हैं। एक राष्ट्रीय चंद्रगुप्त है जो कि सांसदीय चंद्रगुप्त होगा, फिर राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त है जो कि विधायकी चंद्रगुप्त होगा, फिर जी जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर वगैरह आएंगे, और फिर ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त है जिससे पंच सरपंच आएंगे, ठीक है ना। तो जी जी सर 4 स्तर के जो है चंद्रगुप्त हैं, और चंद्रगुप्त जो है वो जी उन्हें अपने आप को स्थापित करना होगा। तो बिल्कुल सर और स्थापित करने का तरीका क्या है? जी लोगों को क्राइम जोड़ना फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जोड़ना, क्योंकि ऐप जो है आपके कितने लोगों को जोड़ा है इसकी अकाउंटिंग रखेगा, हर दिन जी आपको सर्टिफिकेट बांटेगा। यदि जी आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी, 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। जी जी हाँ, तो इस प्रकार बड़ी आसानी से जब आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो आप चंद्रगुप्त यात्रा पे निकल गए हैं। और जी सर चंद्रगुप्त यात्रा का जो है ना रिजल्ट कब निकलेगा? जब जी चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, ठीक है सर राइट। तो जैसे जी जूम सर करिए कि अभी अपराध मुक्त भारत ने निर्णय लिया है कि 2023 में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने चंद्रगुप्तों को उतारेगा। तो बिल्कुल इसलिए अभी हमारी प्रायोरिटी बहुत जोर से बढ़ गई है कि संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ा जाए। तो जी मध्य प्रदेश की स्थिति में जिस दिन चुनाव घोषणा होगा उस दिन जी चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट जारी होगी, राइट। ठीक है सर बहुत तो सुंदर। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों का वो है, तो जो 230 लोग जो ऊपर के होंगे, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें जी चंद्रगुप्त कहा जाएगा, ठीक है ना। जी सर जी फिर सर एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं, जी जिसका नाम हम गोपनीय रखे हुए हैं, वह बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक पार्टी जो है इन चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेगी और जी मेरा हस्ताक्षरित चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी और जी उसको विधायक का टिकट भी दे देगी, ठीक है ना। ठीक ठीक सर बहुत अच्छा तो सभी विधायक जो टिकट केवल चंद्रगुप्तों को ही मिलेंगे। ठीक है सर। हाँ, 5 मिनट तो सर मैं कैसे काम कर पाऊँ, कैसे
जरूर लोगों को इसका जानकारी इसका इसके आप अगर ऐप से ऑलरेडी जुड़ गए हैं, ठीक है ना। अब हम आपको जो अब आप पहले तो ये बताइए कि आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या सदस्य जी सर मैं बन। चंद्रगुप्त ही बनूंगा सर ठीक है, और मैं जी इस बात को सोचता हूं कि आप राज्य स्तरीय विधायकी चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे या संसदीय बिल्कुल चंद्रगुप्त बनना। हाँ बिल्कुल सर मैं ज्यादा से ज्यादा आपके अपेक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा खरा उतरने का प्रयास करूंगा ठीक है, तो इसके लिए जो है आप कुछ ठीक बैनर बना लीजिए, क्राइम है सर फ्री भारत व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठियां, जी ठीक है ना, जी सर संगोष्ठी, ठीक है ना। जी सर जी तो सर आपको हमारे ढेर सारे बैनर हम रोज पब्लिश करते रहते हैं, वहीं से थोड़ा सा स्टाइल ले लीजिए और उसको ठीक जो सर है वो बैनर बना लीजिए और जी संगोष्ठियां करना चालू करिए, जहां ठीक है 20 सर 25 30 लोग इकट्ठे हो सकते हो, बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। वहां जी जी पर टेलीविजन पे या किसी पे जो है क्राइम फ्री भारत के जो है वीडियो चलाए जाएं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, फिर जी चर्चा सर की जाए, फिर एक रजिस्टर में सर्कुलेट किया जाए जिसमें कि जी उनको नाम पता मोबाइल नंबर और ये कहना है कि चर्चा के बाद कि जैसे मैंने आपसे पूछा ऐसे ही आपको पूछना है कि वो सदस्य बनना चाहेगा या चंद्रगुप्त बनना चाहेगा। जी सर जी सर तो ये यस गुड़िया, तो अपनी व्यवस्था के अनुरूप अपने उसके हिसाब से वो चंद्रगुप्त या वो बन सकता है, ठीक है ना, ठीक सर राइट। और फिर ठीक जो सर है बाकी जो है ये जो मॉडल निकाला गया है 90 का और उसका, उससे हम जी बड़ी सर आसानी से 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। और ये 100 करोड़ जो है जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन होगा तो उनको जी आदेश ये मिलेगा कि वो अपनी छत पे जाएं, थाली बजाकर दीपक जला के जो चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया है उसको नाम पे उसे रोज संकल्प लेना है, राइट। ठीक है सर तो इस प्रकार वो ओके सर 35 बार संकल्प ले रहा है। पहली बार पहला संकल्प उसने तब लिया जब वो आप जिसकी लिंक से आप जुड़े, जैसे आप नीरज गुप्ता की लिंक से जुड़े हैं, राइट। बिल्कुल तो देखा बिल्कुल जाए सर तो आपने पहला वोट अपना नीरज गुप्ता को दे दिया, राइट। जी अब जी अज्यूम जी करिए कि जो भी चंद्रगुप्त बन के सामने आया वो हाँ सर उसके नाम पे फिर संकल्प लिया जाएगा, ठीक है ना, कि साहब ये फलाना ठीक फलाना हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त हुआ है और हम हाँ हाँ उसे विजयी बनाएंगे। तो ये संकल्प हर दिन लेना है वोटिंग के दिन तक, राइट। जी सर और जी फिर सर वोटिंग बिल्कुल के दिन जो है पोलिंग बूथ में जाके ईवीएम मशीन पे बटन दबाना है। तो आप जी मुझे बताइए कि हम जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर बहुत अच्छा अभियान है और निश्चित रूप से आपने इसमें हमको चुना है तो हम 101% देने का प्रयास करेंगे और अगर ये अभियान जैसे आपकी तरह अगर विचार रखने वाले अगर लोग जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जितनी पार्टियां हैं जो भेदभाव फैला रही हैं और अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंक रही हैं और गुंडागर्दी कर रही हैं इन सबको परास्त कर पाएंगे इसमें कोई बहुत बड़ी शंका देखिए, नहीं और होगी बैकग्राउंड के पीछे जो है मैथिली शरण गुप्त ने कानून के ड्राफ्ट से लेके टेक्नोलॉजी और वो सब चीजें जो है ना परिष्कृत करके रखी हैं, जी तो सर हम इन चीजों को बड़ी जी आसानी से जमीन पे उतार पाएंगे नियम कानून और उसको और शक्ति के आधार पर। बिल्कुल सर बिल्कुल तो सर ये व्यवस्था निश्चित तौर पर जो है युग परिवर्तन की व्यवस्था होगी। बिल्कुल और सर एक बाबा गुरुदेव जी रहे हैं, मुझे बड़ा हाँ हाँ ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि उनकी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं क्राइम फ्री जी भारत के 21 लक्ष्यों में वो समाहित है। जी जी सर तो हम जो है चलो फिर इसमें जोर से भिड़ें और आज जी से ही आप सर अपना अभियान चालू करें। मैं चालू करता हूँ सर मैं अपने लिंक को शेयर करता हूँ और अपने लिंक के माध्यम से जोड़ूंगा तो वहाँ वो डेटा एंट्री होती रहेगी कुल मिलाकर अपने के आप होगी वो जो है, जैसे ही आप एक को जोड़ेंगे आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाएगा, अपने आप होगा वो सब जी जो सर मैंने जी आपको सर बताया, ये सब अपने आप होता रहेगा। और जिस दिन आप हाईएस्ट होंगे उस दिन जी का सर आपके लिए जो है एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी होता है। ठीक है सर तो ठीक प्रतिदिन जो हाईएस्ट लोगों को जोड़ता है उसे हर दिन कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी होता है, तो एवरीडे। सर मैं कुटुंब लिंक को शेयर करना चालू कर दूं कुल मिलाकर के अपने जो जितने कुल भी लोग मिला ऐसी देखिए सोच के हैं उनके साथ उनको शेयर करो, उनसे चर्चा करो और उनको जोड़ो, और ये जी सर काम बड़ी आसानी से यदि संगोष्ठी में करोगे तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर जैसे वो वहां भी पे करूंगा मैं संगोष्ठी मुझे में करोगे रजिस्टर को जो है ना रोटेट कर दीजिए, उनसे कहिए जी कि साहब सर जो है ना मुझे SMS कर दीजिए, तो वो आपको जी सर SMS कर देंगे, आप उसी पे उनको लिंक भेज दीजिए, वो लिंक को जी सर ना करके जो है ना वहीं पे जो है ना उसको जुड़ जाए। जी और सर इसके बिल्कुल बाद क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो जी वो सर यूट्यूब चैनल को मैं भी जो है वीडियोस को देख पाएंगे, क्योंकि सभी जी सर वीडियो ऐप पर मैं अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सारे जो है वो केबल जो है वो यूट्यूब चैनल पे रहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल सर जरूर देखना है,
और मैं वही कह रहा था। तीसरा काम उनको सभी को टेलीग्राम डाउनलोड करा दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ठीक है के सर। ग्रुप बनेंगे तो, और उसमें आप ग्रुप बना के जिन जिन लोगों को जोड़ते जाते हैं, जिन लोगों की संगोष्ठी लेते हैं, उनको जो है ना टेलीग्राम में जोड़ते जाएं, क्योंकि बिल्कुल एक सर, ग्रुप में हम 1 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं, लिहाजा ठीक, हम बहुत कम ग्रुप में ही उन तक पहुंच पाएंगे, ठीक बिल्कुल सही सर, है ना। तो बस यही व्यवस्था है, और जी हमारी सर, जो ये बातचीत है ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी, तो आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसी बिल्कुल सर, बातचीत के बिल्कुल साथ सर, जो है अब हम इस जी वार्ता सर, को समाप्त करते हैं, जी सर, ठीक बहुत है बहुत ना। धन्यवाद सर, आपने मुझे सौभाग्य दिया, ये अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ सर, और निश्चित रूप से आप मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मैं आपकी अपेक्षाओं में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हम जरूर कामयाब होंगे, नई व्यवस्था जमीन पे उतरेगी, जी ठीक जी है। जी चलिए, सर, जय हिंद, ओके जय सर, भारत, प्रणाम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।